बुरहानपुर जिले की नेपा नगर में बीजेपी की विधायक सुमित्रा कासडेकर का चुनाव नामांकन में फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा है। मामले पर दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने खकनार पुलिस थाने में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नेपा नगर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देते हुए विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको इस बात की हम जानकारी देना चाहेंगे कि साल 2011 में विधायक सुमित्रा कासडेकर ने गैस एजेंसी के लिए जमा कराए गए दस्तावेज और शपथ पत्र में अपनी जन्म तारीख 4 मई 1985 और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई गई। तो वहीं साल 2020 के नेपा नगर उपचुनाव के नामांकन में शपथ पत्र में विधायक सुमित्रा ने अपनी जन्म तारीख 15 अगस्त 1983 और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताई थी। मामले पर एसपी का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। आपको ध्यान होगा कि गलत दस्तावेज देने से यूपी के स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई होगी और अब एक मामला मध्य प्रदेश में भी सामने आया है। तारीख 15 मार्च 1983 बताई, लेकिन इसके पूर्व में जो उन्होंने 2011 के अंदर एलपीजी गैस एजेंसी जो प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख जो बताई है वो 4/5/1985 बताई है। डॉक्यूमेंट्स है उनके द्वारा सबमिट किए गए हैं, उसकी जांच करके और उसके ऊपर प्राइमा फेसी उसके ऊपर मुकदमा कायम कर एक महीने के अंदर मुकदमा कायम करके कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। उसकी हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं और जैसे ही उसके अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग महीने भर के अंदर डेफिनेटली कार्रवाई करके और न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, इसमें मांग की गई है कि सुमित्रा कासडेकर के विरुद्ध नियमानुसार FIR दर्ज की जाए और जो उनकी विधायकी है उनको निरस्त करते हुए न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर जो भी सजा है वो दी जाए।